नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया। इस उद्घाटन कार्यक्रम का कई विपक्षी दलों ने विरोध किया और इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया। तमिलनाडु के अधीनम संतों ने पूरे विधि विधान के साथ अनुष्ठान कराया। पूजा में प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बैठे थे। धार्मिक अनुष्ठान के बाद अधीनम संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंगोल सौंपा, जिसे नए संसद भवन में स्थापित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का लोकार्पण करने के बाद ट्वीट करके कहा कि आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए अविश्वसनीय है। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे कहा कि संसद का नया भवन हम सभी को गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह दिव्य और भव्य इमारत जन जन के सशक्तिकरण के साथ ही राष्ट्र के समृद्धि और सामर्थ्य को नई गति और शक्ति प्रदान करेगी। वहीं बस्ती में बिहार के चार शातिर एटीएम फ्रॉड गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। इसके पास से एटीएम मशीन खोलने की चाबी, पेचकस, कार, 5000 कैश पुलिस ने बरामद किया है। ये गैंग एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर एटीएम कार्ड मशीन पर अपना हेल्पलाइन नंबर लगा देते थे। जब किसी ग्राहक का एटीएम कार्ड मशीन में फंस जाता था तो ग्राहक मशीन पर लगे फर्जी हेल्पलाइन नंबर पर फोन लगाता था, तो इनके द्वारा बताया जाता था कि अभी टेक्नीशियन खाली नहीं है। जब ग्राहक मशीन में फंसे कार्ड को छोड़कर चला जाता तो एटीएम के बाहर मौजूद गैंग के सदस्य एटीएम कार्ड को निकाल लेते थे। गैंग के लीडर के पास से मौजूद स्वैप मशीन से एटीएम कार्ड का पैसा अपने खाते में ये ट्रांसफर कर लेते थे। दिनांक 22/5/23 को आदिल अहमद नामक व्यक्ति ने थाना कोतवाली पर एक FIR दर्ज कराई एटीएम फ्रॉड से संबंधित, जिसमें उसने अंकित किया कि उसके लगभग 70,000 रुपये फर्जी तरीके से निकल गए हैं। इस सूचना पर थाना कोतवाली में अपराध संख्या 163/23, 380 IPC व 66D IT एक्ट का दर्ज हुआ था और इस प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से SWAT टीम को और प्लस थाना कोतवाली की पूरी टीम को लगाया गया था। वहीं सहारे पुलिस लाइन परिसर में पति पत्नी विवाद को सुलझाने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। झगड़े के दौरान महिलाओं से भी हाथापाई की गई, जिसमें दो महिलाएं बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। वहीं एक महिला ने दूसरे पक्ष पर हाथ तोड़ने का आरोप लगाया है। पूरा मामला पुलिस लाइन SSP ऑफिस के बगल वाले ग्राउंड का है। वहीं बदायूं में दो ट्रक आमने सामने भिड़ गए। दोनों ट्रक चालक केबिन में फंस गए। पुलिस ने रेस्क्यू कर दोनों चालकों को सकुशल बाहर निकाला। इसके साथ ही पुलिस ने दोनों चालकों को जिला अस्पताल रेफर किया। पूरा मामला उसवा थाना क्षेत्र का है। वहीं सीतापुर में नगर पालिका अध्यक्ष और नवनिर्वाचित सदस्य शपथ ग्रहण समारोह किया गया। नगर पालिका मोहाली से सपा की नगर पंचायत अध्यक्ष केतका पासी को उप जिलाधिकारी ने शपथ दिलाई। साथ ही सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण में सपा के पूर्व MLC आनंद भदौरिया और सपा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, साथ ही पूर्व चेयरमैन दिनेश गुप्ता टीटू समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं हरदोई जिले में कशौना नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राधा रमन गुप्ता पंकज के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने पहुंची। प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने शपथ ग्रहण के बाद सपा बसपा कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। रजनी तिवारी ने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस हराने की सोच रखते हैं, उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया इसलिए खुद खत्म हो गए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव से सर्टिफिकेट की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता के हित की बात की है और विकास की बात की है और लोगों को बेहतर कानून व्यवस्था दी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार जनता प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। आज कछौना नगर पंचायत का शपथ ग्रहण कार्यक्रम था। पंकज शुक्ला जी हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, उनकी कैबिनेट की आज शपथ थी। बहुत ही हर्ष और उत्साह के साथ में उनको शपथ दिलवाई गई।
और वाकई में जो उत्साह देखने को मिल रहा था, लग रहा था कि जो लोगों ने चाहा था, जिस इच्छा से उन लोगों ने इनको अध्यक्ष बनाया है, जो जोश उस समय दिखाई दे रहा था, आज वही जोश यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं हरदोई के कशौना कोतवाली इलाके में तेज रफ्तार से आई आंधी और बरसात के चलते एक पक्की दीवार और छप्पर गिरने से उसके नीचे दबकर महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना कशौना में कटिया गांव तकिया गांव पड़ता है, जहां की रहने वाली अंजलि वाइपा रही। अभी कुछ देर पहले आंधी और तूफान में उनकी छत और छप्पर उनके ऊपर गिर पड़ा था, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। उपरोक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। वहीं हरदोई जिले में उधार सामान न देने के विवाद में कुछ महिलाएं और पुरुषों द्वारा एक बर्तन दुकानदार की पिटाई का मामला सामने आया है। महिलाओं और पुरुषों के लाठी डंडे लेकर दुकानदार को पीटने और हंगामा करने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने पीड़ित दुकानदार की तहरीर पर महिलाओं और पुरुषों के खिलाफ मामला दर्ज कर पूरे मामले की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये थाना मल्लावा के कस्बा का प्रकरण है, जिसमें एक बर्तन विक्रेता से और उससे पैसे के लेन देन में जो है मारपीट हो गई है। उपरोक्त प्रकरण में थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि उसमें जांच कर विधिक कार्रवाई करें। वहीं झांसी के लौरन गांव में गोली लगने से एक युवती की मौत हो गई। वहीं हादसे में दो लोग घायल हो गए। घायल व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज झांसी में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने जायजा लिया, साथ ही घायलों को मेडिकल कॉलेज झांसी भर्ती कराया। गोली किन कारणों से चली है इसका पता फिलहाल पुलिस लगा रही है। इलाके में घटना से सनसनी का माहौल है। रात में थाना क्षेत्र कटेरा में लारेन गांव में नारायण सिंह और उनकी पत्नी को गोली लगी थी, जिसमें नारायण सिंह की पत्नी सुकुमारी हॉस्पिटल ले जाते समय एक्सपायर हो गई है और नारायण सिंह के हाथ में भी गोली लगी है। इसमें वो गांव के प्रधान का पे नाम आ रहा है, तो इस पर जांच की जा रही है और इसमें पोस्टमार्टम करा के और इनकी इलाज चल रहा है। वहीं बाराबंकी के नगर पंचायत जैतपुर स्थित धर्म काटा, जो कि सरकारी जमीन पर संचालित है, नायब तहसीलदार शैलेंद्र कुमार, अधिशासी अधिकारी योगेश प्रताप मिश्र और क्षेत्रीय लेखपाल और कस्बा इंचार्ज सतीश दीक्षित ने मौके पर पहुंचकर जमीन की जांच की, जिसमें पुनः कब्जा पाए जाने पर विधिवत कार्रवाई की गई। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी योगेश प्रताप मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त जमीन पर पूर्व में नोटिस देते हुए हटाने के निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बाद पुनः नवनिर्वाचित अध्यक्ष के पुत्र द्वारा कब्जा करवा दिया गया, जिसके संबंध में उक्त प्रकरण में कार्रवाई करते हुए कब्जे को हटाया गया तथा भूमि के पैमाइश कराने के बाद एक सप्ताह के अंदर जो कि बिल्डिंग आएगी उसे गिराया जाएगा। ये जयपुर सिद्धौर बाईपास पे भारत धर्म काटा नाम का एक धर्म काटा संचालित हो रहा था। भूमि सत्यापन में हमने पाया कि वो हमारी बंजर जमीन पे था, जिस संबंध में उनको नोटिसें दी गई थी और अतिक्रमण हटाने के क्रम में प्राथमिक कार्रवाई करते हुए मार्ग अवरुद्ध करने हेतु तो वहाँ पे गड्ढा खुदवा दिया गया था। परंतु मुझे अभी कल रात में ज्ञात हुआ कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदया के पुत्र द्वारा नगर पंचायत कर्मियों को निर्देश देते हुए उस गड्ढे को पटवा दिया गया, जो कि विधिक नहीं था और स्वीकार्य भी नहीं था। खबर वहीं मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित बिजली घर में उस समय हंगामा मच गया जब कुछ लोगों ने मिलकर एक दलाल की जोरदार पिटाई कर डाली। दरअसल इस दलाल पर आरोप है कि इसने बिजली बिल ठीक कराने के नाम पर कई बिजली उपभोक्ताओं से धोखे से पैसे लिए और फिर फरार हो गया। आज लोगों ने इस दलाल को सिविल लाइन के अम्बेडकर पार्क स्थित नगरीय विद्युत वितरण खंड के ऑफिस में पकड़ लिया और अपने पैसे मांगने लगे, तो हंगामा खड़ा हो गया और देखते देखते दलाल को लोग पीटने लगे। बिजली घर के ऑफिस में दलाल की पिटाई होता देख मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटना को अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना पर जानकारी देते हुए बिजली विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस व्यक्ति ने बिल जमा कराने के नाम पर पैसे लिए थे, आज जिसे पकड़ लिया गया है। अब पूरे विभाग को ऐसे लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है।
मैं आया था पैसे डलवाने, ये मुझसे बोला आप कागज दो, मैं अभी अभी डलवाता हूँ। किसके पैसे डलवाने आए थे आप? अपने मीटर में पैसे डलवाने आया था 3000 रुपए। इनने मुझसे कागज लिया, मुझसे बोला भाई साहब आप मुझे कागज दो अपना, मैं अभी डलवाता हूँ पैसे। मैं फिर उसको दे दिया, बोला अंदर बड़े भाऊ से यहाँ पे नहीं डलेंगे आपके पैसे, बड़े भाऊ डाल देंगे अंदर से। मैंने अंदर से दिया, एक मिनट में कागज। कहाँ बैठता है ये? बैठता नहीं, कुछ नहीं है यहाँ का, बहुत गंदी आदमी है। कहाँ बैठा हुआ था जब ये? ऑफिस के पास अंदर रूम में बैठा हुआ था। वहीं अलीगढ़ में एक युवती का आरोप है कि एक युवक शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित युवती एसएसपी दफ्तर पहुंची। युवती 3 दिन से थाने के चक्कर लगा रही है। युवती का आरोप है कि मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई न होने पर युवती ने जहर खाकर आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। पूरा मामला भोजपुरा थाना क्षेत्र का है। मैं इस मामले की शिकायत लेके आई हूँ कि लगभग 4-5 साल से एक लड़के के साथ मेरा रिलेशन में है, वो लड़का जिससे रिलेशन था। तो इस मामले की जांच लेके आई हूँ कि उसने शादी के मुझसे वादे किए, शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक शोषण किया। ठीक है, बात ये फैमिली को पता लगी तो फैमिली वाले लोगों में बात हुई, लड़के के फैमिली में और मेरे फैमिली में। तो हुआ ये मसला कि फैमिली तक पहुँचने के बाद में फैमिली वाले एग्री भी हो गए। पहले तो उनकी डिमांडें रही कि 10-15 लाख की शादी हो, फिर उसके बाद वो एग्री हो भी गए। तो होने के बाद ये हुआ कि उन्होंने कुछ दिन पहले मेरे से चीटिंग की। वहीं सहारनपुर पुलिस को मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले बड़े गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा के आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 नशा तस्करों को 250 ग्राम स्मैक, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए की है, के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सहारनपुर की पुलिस ने जिले को नशा मुक्त करने के लिए अभियान चलाया है, जिसमें अवैध शराब, स्मैक, चरस आदि तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जनपद भर में जो मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चल रहा है, उसी क्रम में कल थाना सरसावा में अंबाला रोड पर पिलखनी की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, वहाँ जब चेकिंग पुलिस कर रही थी तो पुलिस पार्टी को देखते ही तेज़ी से भागने की कोशिश की। एक बाइक पे 3 लोग सवार थे। जब इन्हें पकड़ के पूछताछ की गई और इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से 250 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। वहीं फतेहपुर जिले के 4 नगर पंचायतों में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। जहानाबाद नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासदों को एसडीएम ने शपथ दिलाई। चेयरमैन के साथ साथ सभी वार्डों के सभासदों ने भी शपथ लेते हुए अपने कार्यकाल की शुरुआत की। जल निकासी, पेयजल, सड़क नाली, खड़ंजा की व्यवस्था दुरुस्त कराने को लेकर भी संकल्प दोहराया गया। जो हमारा गांव है वहां तक हम दोनों तरफ साइड में नाला बनवाने का काम करेंगे और जिन जगहों में जल निकासी की प्रॉब्लम है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। सरकार इस समय भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से आप निर्वाचित हुए, कैसे सामंजस्य बैठा? हमारे पिता कई बार के विधायक रहे और हमारे पिता कई दलों में भी रहे। हमारे पिता का मान सम्मान और इज्जत सभी समाज के और सभी दल के लोग करते हैं और आज भी केंद्र में और प्रदेश में कई ऐसे वरिष्ठ और बड़े नेता हैं जो हमारे पिता के मित्रों में हैं। वहीं हरदोई में भाजपा सांसद ने एसडीएम से नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया है कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। सांसद अशोक रावत को शपथ ग्रहण में आमंत्रित कर उनके पहुंचने से पहले शपथ करवा दी गई, जिसको लेकर भाजपा सांसद ने एसडीएम नारायण सिंह से नाराजगी जताई है। तो सरकार अच्छी चलानी है, यहाँ विकास करना है, इसीलिए प्रभु ने आज भारी वर्षा के साथ ये सब गड़बड़ घोटाला साफ कर दिया है। ये सब जगह हुआ है, हमारे कछौना में भी हुआ। कछौना थे तो कछौना में पहले वाले जो चेयरमैन है उत्तर का बुद्धि वाले थे। वहीं उन्नाव में 2 नगर पालिकाओं में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्नाव नगर पालिका से बीजेपी प्रत्याशी श्वेता मिश्रा,
और गंगा घाट नगर पालिका से निर्दलीय प्रत्याशी कौमित पांडे और भगवंत नगर पंचायत से रिंकू शुक्ला के साथ सभी नवनिर्वाचित सभासदों ने भी गोपनीयता से शपथ ग्रहण लेते हुए कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ निभाने का निर्वाहन करने की बात कही। उन्नाव में 16 नगर पंचायत और 3 नगर पालिका से नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सभी सभासदों ने शपथ ली। जिन लोगों के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, विकास के मामले पर जो मोदी का सामना नहीं कर सकते, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, तो एक नया मुद्दा निकाल करके ले आए नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध। ये सर्वविदित है कि लोकसभा अध्यक्ष उस भवन का मालिक होता है और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से प्रधानमंत्री भी उठते और बैठते हैं। निर्वाचित चेयरमैन का शपथ ग्रहण कार्यक्रम संगम मैरिज हॉल में संपन्न हुआ। उपजिलाधिकारी टुंडला सत्येंद्र कुमार सिंह ने नव निर्वाचित चेयरमैन और 25 सभासदों को शपथ दिलाई। सभासदों में 25 वार्डों 12 महिला सभासदों ने शपथ ली। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नगरवासियों के अलावा समर्थक भी मौजूद रहे। वहीं झांसी में तेज गति से आ रही बाइक ने 10 साल के बच्चे को टक्कर मार दी, जिसके बाद बच्चे को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने रोड जाम कर दिया। पुलिस के काफी समझाने के बाद परिजन शांत हुए, जिसके बाद जाम को खोला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पीलीभीत में 6 नगर पंचायत में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। वहीं आदर्श नगर पंचायत न्यूरिया हुसैनपुर में 20 साल बाद ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में उपजिलाधिकारी सदर ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष रेहाना को 14 निर्वाचित सभासदों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के एक दिन पहले से ही नगर पंचायत कर्मियों और अध्यक्षों के समर्थन ने के मेमोरियल इंटर कॉलेज प्रांगण को सजाना शुरू कर दिया था। शपथ ग्रहण समारोह के क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों ने भी इस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहे। वहीं सहारनपुर में दिल्ली रोड स्थित एक मॉल में खराब पड़ी लिफ्ट से गिरकर 28 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक अपने दोस्तों के साथ मॉल में घूमने गया था, जहां पर वो खराब पड़ी लिफ्ट को खोलने की कोशिश में लिफ्ट के अंदर जा गिरा। परिजनों का आरोप है कि लिफ्ट के बाहर किसी प्रकार की बैरिकेडिंग या खराब पड़ी लिफ्ट की कोई चेतावनी नहीं लिखी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरे मामले में मॉल प्रशासन मीडिया से बचते हुए दिखाई दिया। झांसी में खनन जोर पर है, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा कड़े निर्देश भी दिए गए, लेकिन पुलिस की मिली भगत से अवैध खनन का खेल बदसर बना हुआ है। वहीं पुलिस की कार्यशैली की पोल खोलता हुआ एक ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे ऑडियो झांसी के मोरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के देवरी चौक प्रभारी का बताया जा रहा है, जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।